नमस्कार श्रोताओं, मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं विभाष कुमार झा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की बैठक आज रायपुर में हुई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष किरण देव सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह पिछले चुनाव में पार्टी को कामयाबी मिली है, उसी तरह आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करने का विश्वास है। वहीं भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के विभिन्न मोर्चों के राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 5000 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। श्री नबीन ने कहा कि महिला मोर्चा द्वारा लखपति दीदी कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने जशपुर प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने जशपुरिया माटी अटल सुशासन समारोह को संबोधित करते हुए उपस्थित लोगों को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने की शपथ दिलाई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेश के नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मिनी स्काई लिफ्ट मशीन की खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भुवनेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और गीतांजलि एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को महापुरूषों से प्रेरणा लेकर देश के विकास में अपना योगदान करना चाहिए। प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से और 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार 10वीं की परीक्षा 21 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 23 मार्च को समाप्त होगी। और जांजगीर चांपा जिले में हुई अग्निवीर भर्ती रैली में जिले के 220 युवाओं का चयन हुआ है। वहीं 35 युवाओं को परीक्षण के लिए जबलपुर भेजा जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।